चॉकलेट फ्लेवर्ड या हम कहें बच्चों की फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर वाली लस्सी बनाने के लिए मैंने लिए 3/4 कप कर्ड, 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर। पाउडर्ड शुगर की जगह नॉर्मल शुगर भी ले जा सकती है, लेकिन पाउडर शुगर क्योंकि आसानी से घुल जाती है तो पाउडर शुगर आसान रहती है, इससे लस्सी जल्दी बन जाती है। यहाँ मैंने ली है चॉकलेट, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है कि इसको हमें इतनी लेना है, अगर हमें ज़्यादा चाहिए यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्योंकि मैंने तो डार्क चॉकलेट के छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। और अब हम इसको मिल्क के साथ मिक्स करके गर्म करेंगे, तो इस चॉकलेट को हम अपने हिसाब से ज़्यादा या कम ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट ली है 1/4 कप, तो इसको अपने हिसाब से ज़्यादा या कम किया जा सकता है। तो अब हम सबसे पहले चॉकलेट मेल्ट करते हैं। इसमें 1.5 स्पून डालना है मिल्क, और उसमें हम डालेंगे अपनी डार्क चॉकलेट, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे यानी कि मेल्ट करेंगे, ताकि आसानी से हमारे लस्सी में घुल जाए, मिक्स हो जाए, अच्छे से इसका फ्लेवर आ जाए। मुझे लग रहा है शायद थोड़ी कम है, तो मैं इसमें थोड़ी सी और डालती हूँ। ये देखिए, अब हम इसको बिल्कुल पिघला लेंगे। ये देखिए हमारी बिल्कुल मेल्ट होकर ये रेडी हो गई। अब हम इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके हम इसे डालेंगे अपने कर्ड में लस्सी बनाने के लिए। तो ठंडा होने देते हैं। चॉकलेट लस्सी बनाने के लिए हम डालेंगे इसमें कर्ड, शुगर, और ये हमारी मेल्टेड कॉफी, मेल्टेड चॉकलेट। हम इसको हैंड ब्लेंडर की जगह नॉर्मल ब्लेंडर भी लिया जा सकता है। इसमें थोड़ा सा पानी, हम चाहें तो इसमें चिल्ड वाटर डाल सकते हैं, आइस डाल सकते हैं, इससे अच्छे से झाग वाली बनेगी। इसे एक बार हम ब्लेंड करेंगे। आइस डाल दिया, अब आइस डालने के बाद चलाएंगे, क्योंकि अगर हमें अच्छे झाग वाली चाहिए तो हमें थोड़ा आइस ज़्यादा क्वान्टिटी में डालने पड़ेगा। बस इसको एक बार हम मिक्स करके सर्व करें। तो देखिए हमारे अपनी चॉकलेट, बच्चों की फेवरेट चॉकलेट लस्सी रेडी है। ये घर पर बनाने का एक तो फायदा है, जिस फ्लेवर में चाहें हम उस फ्लेवर में इसको बना सकते हैं। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखिए, और इसको मैं गार्निश करना चाहती हूँ, मैंने इस तरह से ये ग्रेट करके रख करी थी, इसको मैं इससे गार्निश ग्रेटेड चॉकलेट से गार्निश। मैंने इस तरह की चॉकलेट ली है, ग्रेटेड नॉर्मल डार्क चॉकलेट को ग्रेट करके या ग्रेट करके लिया है। इसकी जगह अगर हमारे पास चॉकलेट सिरप है तो हम चॉकलेट सिरप को भी इसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं।